नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये दमकल विभाग की गाड़ियां आज एक बार फिर से झांसी के सीपी बाजार में उस समय आकर ठहर गई जहां पेट्रोल पंप के बगल में बने एक रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग गई। रसबहार तिराहे पर बने इस रेस्टोरेंट में जैसे ही आग लगने की सूचना आई, दमकल विभाग के कर्मचारी गाड़ी लेकर मौके पर पहुँच गए। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट के ठीक बगल में पेट्रोल पंप है। अगर आप पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे की घटना के बाद आप देख सकते हैं कि आसपास लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई और पुल के नीचे, ओवरब्रिज के नीचे जो दुकानदार, पटरी दुकानदार है, उनमें भगदड़ मच गई। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए। सामाजिक संगठनों के लोग भी मौके पर पहुँच गए और सभी ने मिलकर इस अग्निकांड को विकराल होने से बचा लिया। समाज सेवी सुमित उपाध्याय, सीपी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज शुक्ला समेत तमाम लोगों ने इस अग्निकांड को बुझाने में काफ़ी मदद की। यह हादसा काफ़ी बड़ा हो सकता था, लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारियों ने पूरी मशक्कत के साथ इस घटना को विकराल होने से बचा लिया। आपको बता दें कि इसी रसबहार किराए पर कोहली रेस्टोरेंट में कुछ दिनों पहले आग लगी थी, जिसके चलते एक दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई थी। अभी इस अग्निकांड की आग पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, दुकानें अभी भी जली हुई हैं और इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हो सकी। ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप है और इसी के ठीक बगल में यह रेस्टोरेंट है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के पीछे बनी झाड़ियों में अधिक टेम्परेचर के कारण आग लगने से यह घटना हुई है। हालांकि घटना की अभी पूरी जांच की जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। इस रेस्टोरेंट में काफ़ी सामान का जो जल गया है। पेट्रोल पंप को चारों तरफ से घेर लिया गया था ताकि आग वहाँ तक ना पहुँच सके। फिलहाल इस घटना से झांसी में हड़कंप की स्थिति रही, लेकिन दमकल कर्मचारियों की काफ़ी सराहना की जा रही है कि उन्होंने मशक्कत के साथ इस अग्निकांड पर काबू पाया। फिलहाल आग पूरी तरह से बुझ चुकी है और इसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन आसपास के दुकानदार इस बात से थोड़े से सहमे नज़र आए कि कहीं आग यदि आसपास फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देख सकते हैं फुटपाथ पूरी तरह से खाली करा लिया गया था। फिलहाल अग्निकांड को समय रहते काबू में कर लिया गया है। मार्केट संवाद के लिए अनिल मोर के साथ सुमित उपाध्याय की रिपोर्ट, झांसी।